Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजे स्टोरी, मैं हूं मदन लाल। मिडिल क्लास हो या लो क्लास, कोई भी आदमी जब नौकरी करता है, पैसे कमाता है, तो 50% अपने बच्चे के ऊपर खर्च करता है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो। और देश में बहुत कंपटीशन है एजुकेशन में, इसके वजह से लोग भागते हैं पब्लिक स्कूल में, और पब्लिक स्कूल में जाके एडमिशन कराते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़ ले, इंग्लिश बोलना जान जाए और दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन में रहे। पर उनको नहीं पता होता है कि बहुत सारे पब्लिक स्कूल ऐसे होते हैं जिनका मान्यता प्राप्त नहीं है। एक पब्लिक स्कूल है जो नोएडा में, उत्तर प्रदेश से वो जूनियर हाई स्कूल तक उसके मान्यता प्राप्त नहीं है, पता चला ITI के थ्रू। तो हमारे साथ जो के अरुणाचलम जी हैं, वो ITI बताइए। नमस्कार, मैं के अरुणाचलम, महासचिव ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन। इधर इधर ऐसा है, देख, खैतान स्कूल है एक नोएडा में, उनका जो है बेसिक शिक्षा में मान्यता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे 2009 से, ये 2011 से स्कूल का मान्यता ही, बेसिक शिक्षा में मान्यता ही नहीं है, जबकि 2011 से 2021 तक स्कूल चल रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी कहीं से पता किया, कार्रवाई कराया था, जो संयुक्त शिक्षा निर्देशक ओमकार शुक्ला, उन्होंने मंडल सहायक शिक्षा निर्देशक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल की जांच करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी दी थी 27 अक्टूबर को, अभी तक उनका भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 नवंबर को जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को भी चिट्ठी गई है राजेश कुमार जी, मंडल सहायक शिक्षा निर्देशक से, कि स्कूल के अगेंस्ट में खिलाफ एक्शन लेके इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। अभी तक, आज 15 नवंबर होने वाला है, अभी तक इसमें ना तो जिला अधिकारी ने कोई इसमें कार्रवाई की है, ना तो इसमें, अब आप ये देखेंगे इसमें बच्चे फंस रहे हैं। 11 साल से स्कूल का जो है मान्यता ही नहीं है, बिगैर मान्यता के स्कूल अरबों खरबों फीस लिया जा रहा है। आप एक चीज़ देखिए, स्कूल जब आज की डेट में, अब कोरोना के इसमें कितने पेरेंट्स की मौत हुई है, कितने पेरेंट्स सक्षम नहीं है, नौकरियां गई हैं, फीस पे करने सक्षम नहीं है, उनका तुरंत स्कूल जो ऑनलाइन क्लास बंद कर देता है। स्कूल अपनी तरफ से तो कर देता है, लेकिन किस कैपेसिटी में कर रहा है ये बताइए ना, इनका मान्यता ही नहीं है स्कूल की। अब स्कूल का बच्चों का भविष्य का क्या होगा? जिलाधिकारी कहते हैं कि जांच कमेटी बिठा रखी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि जांच कमेटी किस बात की बिठा रखी है? जब आपको एक बात बताइए, जब संयुक्त शिक्षा निर्देशक ने दे दिया आदेश, तो आप अभी तक क्यों नहीं किया? इसके स्कूल के खिलाफ तो धारा 420, 467, 468, 470, 120 बी और 409 IPC के अगेंस्ट में केस, FIR दर्ज होनी चाहिए। तो सर, ये पता कैसे चला कि ये इतना बड़ा, ये देखिए किसी ने RTA करके पता कराया है, इससे स्कूल का बेसिक शिक्षा में मान्यता ही नहीं है करके, ऐसे पता नहीं अब नोएडा में कितने स्कूल का मान्यता नहीं होगी। आप एक बात, ये गरीब जो है, मिडिल क्लास से लेके गरीब से लेके हर कोई बंदा अपना एक वक्त की रोटी पेट काट के बच्चों की फीस भरने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाता है। अगर प्राइवेट स्कूल की अगर ऐसी रही धांधली, तो बच्चा कहाँ जाएगा ये बताइए ना, सरकारी स्कूल में जाएगा? सरकारी स्कूल की हालत अभी इतनी ठीक नहीं है कि जो पढ़ा सके। मैं तो अब यही आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इस स्कूल के खिलाफ जल्द से जल्द जांच कर किया जाए, और 2009 से लेकर 2011 तक जो अभी 2011 से 2021 से 10 साल की जो फीस ली है, उसको ब्याज समेत पेरेंट को वापस किया जाए। जो फीस ली है इन्होंने मान्यता के बगैर, उस फीस को ब्याज समेत वापस किया जाए, और उन बच्चों को जो है शिक्षा को कहीं और शिफ्ट किया जाए। पुराने पढ़ के जो बच्चे जा चुके हैं उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं हो सकता, जब जो सरकार बताएगी ना क्या हो सकता है, जिलाधिकारी साहब बताएंगे या बेसिक संयुक्त शिक्षा निदेशक बताएंगे क्या हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अब इसके खिलाफ जिलाधिकारी को अब कोई देरी नहीं करनी चाहिए, स्कूल के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, और जो बच्चे 10 साल की जो फीस है वो ब्याज समेत वापस की जाए। पता ये भी चला सर, इसमें कुछ टीचर को, हाँ बिल्कुल जी, स्कूल ने पहले क्या किया है, जो जो 12-12 साल जो टीचर्स काम करके गए, चाहे वो म्यूजिक टीचर हो चाहे कोई भी हो, उनको जो है बंद कमरे में बैठा के प्रिंसिपल ने रिजिग्नेशन लिखवा लिया जबरदस्ती, कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते, जबरदस्ती रिजिग्नेशन लिखवा दिया, उनका बकाया पैसा नहीं दिया, काफ़ी कुछ किया। उस पर किसी चैनल वाले ने कार्रवाई की, तो उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया स्कूल ने। जब स्कूल इतना वो कर सकता है, तो सरकार जो वो कर रही है, हल्के में ले रही है इसको, सरकार को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। 15 तारीख को 27 अक्टूबर को चिट्ठी गई है ओमकार जी की, ये गई है मंडल सहायक शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, और उसके बाद जो है मंडल सहायक शिक्षा निदेशक ने 15 नवंबर को 27 अक्टूबर की चिट्ठी का जिलाधिकारी को 15 नवंबर को गया हुआ है।
अब जिलाधिकारी की तरफ से भी कोई वो नहीं आया। हम लोग जो एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठी बना के जिलाधिकारी से समय मांग रहे हैं कि समय दो जी, हमें इसका समय उनके कार्यालय से समय नहीं मिल रहा हम लोगों को, शायद उनको ये पता है कि हम लोग इसीलिए मिलना चाहते हैं उनसे। तो मैं इनसे बात किया और दिखाने का कोशिश किया, इसके बाद मैं टाइम लिया हूँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैं बात करूँगा। और मैं यहाँ पर आया था स्कूल के अंदर भी मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहा मगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि हम बात नहीं कर सकते। देखिए एक मिनट, प्रिंसिपल तो किसी से नहीं बात करने को तैयार है जी, हमने भी कोशिश की बात करने की, हमें भी समय नहीं, प्रिंसिपल तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, एक अखबार में उन्होंने अपना बयान दे दिया कि हमें हमारा नोटिस ही नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे कि भाई प्रिंसिपल यहाँ की बहुत पहुँच वाली है और ऐसा नहीं हो सकता है। सर RTI के राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा पता चला है कि खेतान पब्लिक स्कूल के पास जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता नहीं है, तो इस पर क्या बोलेंगे सर? इस प्रकरण संज्ञान में आ गया है, ठीक है, इस पर कार्रवाई चल रही है, इनसे संबंधित संस्था से पत्राचार किया जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज अपना उपलब्ध कराएं, जैसे आते हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण के उपरांत नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उनकी की जाएगी। तो क्या सर उनके ऊपर मुकदमा होगा? अब आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, जब प्रकरण की जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कहा जा रहा है कि 10 साल से वो बिना मान्यता चल रहा है, तो जो बच्चे वहाँ से पास आउट होकर गए उनका फ्यूचर में क्या होगा? अब इन सब बिंदुओं की पड़ताल चल रही है, पड़ताल पूरी होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.